सामने बैठे हैं। हाँ, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला हम बता रहे हैं भैया। देखिए, 30 सितंबर को शाम 6:30 बजे हमारा भाई घर से गायब हुआ। सुबह जब पापा हमारे दुकान पर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें कॉल आया और फोन पर एक आदमी था और कहने लगा कि आप हमें 50 लाख रुपया दीजिए और नहीं तो हम आपके दोनों बच्चों को मार देंगे अगर आप कंप्लेन करें या कुछ भी करें। तो पापा हमारे, अरे, पुरानी बस्ती, थाना पुरानी बस्ती, यहीं पर आए और एप्लीकेशन दिए, सूचना दिए, कहें हमारे बच्चे, हमारा बच्चा किडनैप हो गया है और कुछ करिए। उसके बाद शाम 4 बजे का टाइम था, साउघाट ब्लॉक के पास हमारे भाई का शव मिला। हाँ, 4-5 दिन बाद, तब से उसके बाद मिला, तब ये लोग कहने लगे कि आपका भाई नहीं है। हम पूरे परिवार वालों को उससे देखने भी नहीं दिए और मिलने भी नहीं दिए, कहें ये आपके घर का नहीं है। जब देखते तभी तो हम बताते, उसके बाद देखने ही नहीं दिए, हटा दिए वहाँ से। उसके बाद कहने लगे, जब उस, हाँ, चले गए वहाँ से। उसके बाद कहने लगे कि गुरुवार को मिला था। उसके बाद कह रहे हैं कि सोमवार को खुलासा होगा। उसके बाद फिर एक दिन गया, फिर कह रहे हैं 3 बजे खुलासा होगा, फिर कह रहे हैं 20 मिनट में। हाँ, चौराहे पर धरना भी दिए थे हम 5-6 तारीख। हाँ, 3 दिन का आश्वासन लिख कर दिया था सर्वेश कुमार राय, इन्होंने दिया था। उसके बाद तब से आज 25 दिन हो गया, लेकिन अभी कुछ भी पता नहीं चला। आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं जी, क्या पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? कुछ भी नहीं, बस बुलाते हैं, घर भेज देते हैं, यही सब ये लोग 25 दिन से कर रहे हैं। हमको तो लगता है ये लोग पैसे खा के बैठे हैं। अगर पैसे नहीं खाए होते तो 25 दिन से कुछ ना कुछ तो किए ही होते, और जिन लोगों के, इन लोगों ने पकड़ रखा था उन लोगों को भी छोड़ दिया। सब वही बात कर रहे हैं, कह रहे थे छोड़ दे, मतलब मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं। धरने बैठे आप लोग, क्या आरोप है आपका जी सर? आप लोग धरने किस लिए बैठे हैं? हम लोग धरने पर बैठे हैं, हमारा जो है मरने वाला, मेरा भांजा था, सगा मेरा भांजा था, और जब से वो उसका हत्या हो तब से आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उसी के दौरान हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ करने बैठे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। रिक्वायर हुई थी 20 दिन पहले और अभी तक उसका गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी घटना का नावड़ के सभी बिंदुओं पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं और निकट भर में हम लोग को जल्दी सफलता को सूत्र मिले हैं, सफलता मिलने की शीघ्र संभावना है। सर, आज परिवार आया था, धरने पर भी बैठा था, क्या कुछ आश्वासन मिला? नहीं, धरने पर नहीं, अभी के परिवार मिलने आया था वो हमसे, और एडिशनल साहब से मिला था, मेरे से बातचीत किया उसने, कुछ बिंदुओं पर उनसे बात हुई है और उनसे ये बताया गया है कि पुलिस ने हमने अभी तक क्या क्या हमने कार्रवाई की है।